Mic check check. Hello everyone, मेरा नाम गौरव आनंद है and welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं रोड के वायरलेस माइक के बारे में. मैंने रिसेंटली परचेज किया फ्रॉम CEIF, एक कैमरा एक्सपो लगता है मुंबई में जिसका नाम है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग फेयर. मेरे को काफ़ी टाइम से ये माइक लेना था बिकॉज आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम माई ओल्ड माइक्रोफोन विच इज़ जूम H1 प्लस रोड का ही लेपल माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी लाइव कुछ करके है. इसके साथ मेरे पुराने सेटअप के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फॉर एडिटिंग पर्पज़ मेरे को पहले इसका बैकअप लो, फिर कैमरे का बैकअप लो, फिर दोनों को सिंक्रोनाइज करो, एंड मेरे को हमेशा कॉम्पैक्ट सेटअप ज़्यादा पसंद आते हैं. सो गाइज, ये माइक लॉन्च हुआ है तब से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ. चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी. इसके बॉक्स में क्या क्या है देखते हैं. गाइज, हमें मिल रही है कैमरा से कनेक्ट करने के लिए एक TRS पैच केबल, दो विंड कवर्स, एक वारंटी कार्ड, पाउच, दो सी टाइप केबल, एक ट्रांसमीटर एंड एक रिसीवर. सो गाइज, इसके रिसीवर में एक छोटी सी LED स्क्रीन है जो दिखाती है कि इसके लेवल्स कितने हैं एंड बैटरी कितनी है एंड थोड़ी बहुत जो सेटिंग्स का ऑप्शन है. एक बहुत ही सही चीज़ है इस माइक्रोफोन के बारे में जो इसका ट्रांसमीटर है, इसके अंदर एक इंटरनल माइक्रोफोन है. यू डोंट नीड टू एक्चुअली अटैच योर लेपल माइक अगर इफ़ यू डोंट हैव इट. यू कैन जस्ट प्लग दिस टू योर कॉलर एंड यू आर रेडी टू शूट. सो गाइज, फॉर क्विक शूट्स, वेडिंग्स, इवेंट्स एंड वीलॉगिंग, ट्रैवल पर्पज़ के लिए कितना परफेक्ट है यार, कुछ हैसल नहीं है एंड कितनी ईजीली ये प्लग इन हो जाते हैं हमारी चीज़ों में. और दो USB टाइप सी केबल्स हैं दोनों को चार्ज करने के लिए. इनका बैटरी लाइफ टाइम है 7 hours एंड मेरे को काफ़ी सही लगा है इसकी. इसके अंदर इंटरनल बैटरीज हैं और हमें साथ में इसके माइक के विंड कवर्स मिले हैं जो कि काफ़ी ईजीली लग जाते हैं. इट्स वेरी सिंपल. एक प्रॉब्लम इसमें ये लगी मेरे को कि बैटरी लाइफ का इशू था. अगर हमारे लॉन्ग शूट्स हैं तो हम बैटरी चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी एंड ऑल दैट प्रॉब्लम्स. बट देन फिर मैं चेक किया कि इसका टाइप सी जो इसमें चार्जिंग केबल मिली है वो पावर बैंक से चार्ज हो सकती है. सो दैट्स वेरी ईजी. देन मेरे लॉन्ग शूट्स भी इसमें काम कर सकते हैं. 7 hours इज ऑब्वियसली काफ़ी लंबा टाइम है. सो गाइज, मैं रिसेंटली एक कॉन्सर्ट में शूट कर रहा था इस माइक के साथ एंड मेरे को सिर्फ एक इशू लगा. जब हम लोग इंटरव्यूज़ ले रहे थे बैक स्टेज पे तो वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्सर्ट. सो इसमें जो इन कैमरा के माइक्रोफोन इनपुट लेवल्स हैं वो सिर्फ 3 रेंजेस हैं, लो, हाई एंड मीडियम, दैट्स इट. जबकि जो हम पहले यूज़ कर रहे थे जूम H1 एंड सनाइजर वो 100 degrees, जैसे जूम H1 में 1 to 100 है, इसमें सिर्फ लो, हाई एंड मीडियम है. तो आई रियली वॉन्टेड कि जब मैं सबसे कम में भी रखा हुआ था तब भी नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा थी, मेरे को और कम करनी थी, वो नहीं हो रही थी ऑब्वियसली. सो मैंने अपने कैमरा में सबसे लोएस्ट रखा तब भी मेरा सॉल्यूशन नहीं आया, काम चल गया. बट आई रियली फेल्ट कि अगर ज़्यादा डायनामिक रेंजेस होते इसमें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता. बट आई थिंक इट्स फाइन, इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं माइक खरीदूँ नहीं. मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस माइक से अभी तक. सो गाइज, एक साउंड चेकअप तो बनता ही है, राइट? तो अभी तक जो आप सुन रहे थे वो था एक जूम H1 का साउंड विद रोड का एक लेपल माइक जो मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ. लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बल्क एक अलग से जूम माइक एंड वायर एंड देन एडिट एंड वीडियो पे इसे सिंक्रोनाइज करना, इट्स टू मच ऑफ वर्क. सो फाइनली नाउ आई हैव अ वायरलेस माइक जो मैं डायरेक्टली कैमरा में आउटपुट दे रहा है. सो लेट्स यूज इट. ओह परफेक्ट. अब जो आप साउंड सुन रहे हैं वो है रोड का वायरलेस गो का साउंड. आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड विद इट. आप अपना चेक करिए अगर आपको सही लग रहा है. अब मैं एक और चीज़ आप लोग सबको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी बल्की सा कुछ है एंड मे बी जिनको लेपल माइक की आदत है एंड शायद कॉरपोरेट्स में अच्छा भी ना लगे कि यहाँ पे रोड का नाम लिखा हुआ है किसी ब्रांड का, तो काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करेंगे. तो उनके लिए मैं आपको बताऊँ तो इसमें एक ऑप्शन है लेपल माइक डालने का. तो चलो लेपल माइक डाल के देखते हैं. सो गाइज, आई एम यूजिंग अ रोड का लेपल माइक विद दिस कन्वर्टर. ये रोड का स्मार्ट लैब लेपल माइक था जो फोन्स के लिए आया था इन
इसके कन्वर्टर के साथ आप DSLR Zoom H1 में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी फेमस हुआ था ये बिकॉज इसकी क्वालिटी काफ़ी सही थी। राइट नाउ वी आर यूजिंग इट विद रोड वायरलेस गो। सो ये भी सही है, अगर आपको लेपल माइक यूज़ करना है तो इसमें आप लेपल माइक लगा सकते हैं। ये 16,000-17,000 का मिल रहा है मुंबई में, तो काफ़ी डिसेंट प्राइस है एक वायरलेस माइक के लिए इस क्वालिटी के लिए। जो इन बॉक्स के अंदर सामान मिल रहा है, इट्स परफेक्ट। दो दो सी टाइप केबल मिल रही है, एक TRS केबल मिल रही है, दो ये विंड कवर्स मिल रहे हैं, एक पाउच मिल रहा है, एंड रिसीवर्स की क्वालिटी काफ़ी सही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी इन द एंड कि इतने से सेटअप है मेरा ऑडियो का, लाइक इट्स इजंट इट परफेक्ट। मेरे को व्लॉगिंग करनी है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को इंटरव्यूज़ लेने हैं, दैट्स इट। इतना सा सेटअप है, नथिंग मोर, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, जूम माइक्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं। एक सिंपल काम के लिए सिंपल सेटअप, एंड मैं काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ सेटअप चाहता था, एंड फाइनली मेरे पास अब वैसा कुछ सेटअप है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो गाइज, दैट्स इट। दिस इज़ माई कंक्लूजन, दिस इज़ माई अनबॉक्सिंग, दिस इज़ माई रिव्यू फॉर द रोड वायरलेस गो। आई होप आपके ये काम आए, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज जो मैंने, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और ये वीडियो आगे और शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज ऐसे आने वाली हैं, मेरे को आप लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड ऑन विजन ऑफ कैप।